इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं किताबों की जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्योंकि बहुत जगह पर बहुत एग्जामिनेशन में ये अप्लीकेबल होते हैं और हमें वो पता नहीं होता है, हम बहुत सारे मिस्टेक करके चले आते हैं और वहाँ पर हम वैलिड कौन सा आइडेंटिटीज अप्लीकेबल है वो हम कर नहीं पाते हैं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक जब बने रहेंगे तभी आपके ये डाउट क्लियर होंगे और कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो कि इस एग्जाम में अप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। और जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका लिंक आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसी प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सिमिलरली ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लास्ट फार्मूला आपका बचा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये आठ ऐसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं जो हर एग्जाम में, या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या आप मैथ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब जगहों पर ये अप्लीकेबल होता है। तो आइए आपको इसको लर्न करना होगा और ऐसे ही आपको लर्न करना है और कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आपकी एप्लीकेबल होगी वो आपको उस क्वेश्चन में ही आपको दिख जाता है। हाइटेंट डिस्टेंस है क्लास टेंथ में और ट्रिग्नोमेट्री है तो वहाँ पर भी ये सारे फार्मूले यूज किए जाते हैं। और क्लास टेंथ में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है, काफ़ी सारी जगहों पर ये फार्मूले अधिकतर आप मान के चलिए कि क्लास नाइन्थ से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको ये फार्मूले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक हमें काफ़ी सपोर्ट प्रदान किया है, तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।